बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड इवनिंग व्यूअर्स, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ जाकिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। इसमें मैं आपसे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कानूनी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में लाइव। स्क्रीन पर हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है, इसी नंबर पर आप कॉल करके मुझसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी कानूनी प्रॉब्लम है, उस सिलसिले में बात कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं, आपकी कॉल थ्रू होती है, तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। कोशिश करें कि अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स भी हमें कॉल करने की कोशिश करते हैं, उन सारों से हमारी बात हो सके। तो बराह मेहरबानी सवाल अपना मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात हो भी जाती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मुझसे बात करने के बाद भी बेहतर ये होता है कि किसी भी वकील से जाके अपना केस ज़रूर डिटेल में डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं बहुत डिटेल में आपसे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूँ इस प्रोग्राम में, और मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा है, हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त, इसी नंबर पर आप, इसी टेलीफोन नंबर पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे रابطہ करना हो तो मेरा ईमेल एड्रेस भी, ब्रेक पे जब हम जाते हैं तो ब्रेक पे जाने से पहले मेरा ईमेल एड्रेस आता है, और प्रोग्राम के आखिर में भी मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आता है। आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रابطہ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? भजन, मेरी ना अपील अलाउ या 3 वीक्स पहले ना, जी जी, ह्यूमन राइट्स पे और टॉइक पे, जी जी, पूछना था कि अब ये अपील इम्प्लीमेंटेशन पे होम ऑफिस कितना टाइम लगाता रफली आजकल? देखिए, आमतौर पे 2 से 3 महीने लग जाया करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आमतौर पे इतना टाइम लग जाया करता है। बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आमतौर पर ये 2 से 3 महीने के लगभग लग जाते हैं। तो भजन, अगर मैंने ह्यूमन राइट्स पे मेरी अपील अलाउ की है, तो जो ह्यूमन राइट्स का वीजा मिलता है वो 2.5 साल का होता है, आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स? जी, आमतौर पे 2.5 साल का वीजा होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और ये जो आपकी अपील अलाउ हुई है, मेरे ख्याल में जो है कॉलर जा चुके हैं। अली साहब, बस मैंने सिर्फ ये कहना था कि आपकी अपील अलाउ जो अभी हुई है, तो अगर अपील आपकी अलाउ हो भी जाती है, तो होम ऑफिस के पास राइट होता है कि अगर वो चाहें तो परमिशन के लिए अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं अपील के लिए। उसमें 14 डेज होते हैं, तो अगर वो होम ऑफिस परमिशन के लिए अप्लाई नहीं करता, तो फिर उसके बाद वो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं होम ऑफिस, जो भी आपको बायोमेट्रिक कार्ड्स वगैरह इशू करने हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन आके जी, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੇਆਰ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਆਰ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ, अगेन अगर अपर ट्रिब्यूनल ने परमिशन रिफ्यूज़ किया है, तो फिर आप आमतौर पे जेआर के लिए जाते हैं। अगर अपर ट्रिब्यूनल में आपको केस सुना गया था परमिशन मिलने के बाद, तो फिर कोर्ट ऑफ अपील में भी अगर आपको परमिशन के लिए पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर आप जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके केस की नोयत क्या है, और बेहतर यही है कि जो आपके जी आमतौर पर जेआर, जी जी, मुझे कोर्ट ऑफ अपील की भी एग्जैक्टली फीस तो उसकी परमिशन की नहीं मालूम, लेकिन उसका बेहतर तरीका ये है
कि एक तो जो आपके केस से डील कर रहे हैं वकील उनको मालूम होगा, लेकिन अगर आप मुझसे मुझे ईमेल कर दें अपने केस की नोयत का, तो मैं फिर आपको कोर्ट ऑफ अपील जो भी आपके प्रोसेसिंग में फ़ीस लगी, जो उनकी कोर्ट की फ़ीस है, वो भी हम आपको बता देंगे। मेरा ईमेल एड्रेस अभी जैसे कि मैं शुरू में बताया था, ब्रेक पे जब हम जाते हैं तो उससे पहले आता है स्क्रीन पे, तो आप मेरे मुझे ईमेल कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको फ़ीस कोर्ट ऑफ अपील की बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम ना अच्छा है और ना मैंने ना 7 मेंबर्स के लिए ना ऑनलाइन इंडेफिनिट अप्लाई की है। 7 क्या, किसके लिए? फैमिली मेंबर है 7 ना, तो हमने 7 मेंबर्स के लिए ना ऑनलाइन इंडेफिनिट अप्लाई की है जी। तो लेकिन ना हम लोगों का ट्रांजैक्शन जैसे जब पे के उसके ऊपर आते ना, तो मेरा मेरी लाइक मैं पे नहीं कर पाती क्योंकि अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं वो। अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है 21,000, तो आप पे नहीं कर सकते हैं। और जबकि मेरे बैंक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहते हैं होम ऑफिस की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपने उसको अलग अलग पे करने की कोशिश की है? हमने 2 अकाउंट्स बना के, और जैसे कि जैसे 3 लोगों का और 4 लोगों का ऐसे करा ना, तो फिर वो हमें प्रीमियम के ऑप्शन नहीं देते। अच्छा, देखें ये चूंकि अभी सिस्टम इन्होंने अभी शुरू किया है, मुझे नहीं पता कि क्या ये कंप्यूटर ग्लिच है, कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा है, या मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या होम ऑफिस को अलाउ नहीं करता। अगर आप मैं जिस तरह भी ये चीज़ ऐसी है कि मुझे चेक करना पड़ेगा, आप अगर चाहें तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा अपनी डिटेल्स, और हम आपको फिर कॉन्टेक्ट करके आपको बता देंगे कि किस तरीके से ये हो सकता है। क्योंकि कोई अगर अगर आपको वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन एक उस पर गो में अलाउ नहीं कर रहे, तो आप उसको मेरे ख्याल में ब्रेक आप कर सकते हैं। लेकिन इसलिए अगर आप मुझे हमें अपनी डिटेल्स ईमेल कर दीजिएगा, तो फिर हम आपसे कांटेक्ट करके आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम निकित है और मैंने 7 ईयर के बेस पे अपने बच्चों का केस अप्लाई किया था। जी जी। तो मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के कार्ड आ गए हैं और मेरा 1 मंथ हो गया कार्ड नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? लेकिन लेटर में उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट में मेंबर में हूँ और मेरा देखें अभी तक नहीं है। देखें इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आपका कार्ड इधर उधर हो गया। आम तौर पे जब आपको लेटर वो भेज देते हैं आपके बच्चों का हस्बैंड का आ गया है, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपका ना आए, सवाए इसके कि कुछ इधर उधर हो गया हो। तो आप ऐसा करें जी, बोलें जी। मैं दूसरा सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड मेरे हस्बैंड के और बच्चों के ऊपर लिखा हुआ है कि वो बेनिफिट ले सकते हैं, तो क्या वक्त बाद में जो मैं वीज़ा अप्लाई करूँगी उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? अच्छा, देखें आपने पहले सवाल का जवाब सुन लिया था कि शायद अगर आपको कार्ड उन्होंने मैंने नहीं सुना। अच्छा, जो आपका पहले सवाल का जो मैंने जवाब दिया कि शायद आपका कार्ड भेजा हो इधर उधर हो गया, आप होम ऑफिस से रابطہ करें, उनका ईमेल एड्रेस भी दिया होगा जो बाकी आपके जो लेटर उन्होंने भेजा था आपको, तो उसमें एक ईमेल एड्रेस भी होगा, आप उनसे रابطہ करें, उनको बोलें आपको अभी तक आपका कार्ड नहीं मिला। जहाँ तक बेनिफिट का ताल्लुक है, तो आपको अभी उन्होंने 7 साल की बेसिस पे, क्या आपके बच्चे 7 साल का हो गए हैं? तो हमने कॉलर जा चुके हैं। अगर आपको 7 साल की बेसिस पे या कोई ऐसी बात है जिस पे उन्होंने बेनिफिट्स भी आपको अलाउ की है, तो फिर जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन मुझे आपके केस के सही फैक्ट्स का और पूरी सिचुएशन का नहीं मालूम, तो इसलिए मैं कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप बेनिफिट्स लें या ना लें। बेहतर है किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है? हाँ, मैं साइमा बोल रही हूँ बर्मिंघम से। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछने। जी बोलिए। फर्स्ट ये है कि मैं ब्रिटिश हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो इलीगल है, तो हम अप्लाई करना चाहते हैं केस, और हमारे न्यू बोर्न बेबी भी जो है ना है हमारे पास। जी, कौन सा जो है ना, शादी की बेस पे करें तो ठीक है या बेबी की बेस पे करें? तो देखें बेबी की बेस पे, और देखें बात यह है कि जब आप आपके हस्बैंड इलीगल हैं लेकिन अब आपका बच्चा है उनके साथ और बच्चा ब्रिटिश है, तो फिर जब एप्लीकेशन करेंगे वो, तो वो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी कि आपके 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 वो हस्बैंड भी हैं और बच्चा भी आपका है, तो सारी चीज़ें होंगी। बेबी के बेस पर भी होगा, आपकी बेसिस पर भी होगा।
अच्छा, तो ये अगर बेनिफिट पे कोई असर पड़ता है कि क्योंकि ये तो इलीगल अंदर बेबी के बेनिफिट अप्लाई करूं तो जैसे टैक्स क्रेडिट ये वो देखें, करना। आप टैक्स क्रेडिट वगैरह या जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको उनको अपने बताना होगा सिचुएशन कि जी आपके साथ आपके हस्बैंड हैं या पार्टनर हैं, वो फिर आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स में असर पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन आपको उनको सही सिचुएशन बतानी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, जी जी हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, कौन सा बोल रहे हैं? सलाम अलैकुम, उस्मान बोल रहा हूँ। वालेकुम मेरे सलाम दो क्वेश्चन है। जी, बोलिए। मैं ब्रिटिश हूँ, मेरी वाइफ और बड़ा बेटा जो है वो 4 साल का है, वो यहाँ पर है स्पाउस वीजे पे, जी, और एक बेटा यहाँ पे पैदा हुआ है वो ब्रिटिश है, और मैं उनके जो छोटे बेटे के जो है ना वो बेनिफिट ले रहा हूँ, चाइल्ड बेनिफिट और टैक्स क्रेडिट। तो मसला ये है कि मुझे पता नहीं था, वो पिछले 6-8 महीने से मेरी वाइफ के अकाउंट में जो है ना वो आ रहे थे, तो आगे एक्सटेंशन 6 महीने बाद है मेरी, तो वो तो मैंने चेंज करवा दिया अकाउंट अपने नाम पर, तो जी, ये कोई असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। वो देखें, वो चाइल्ड बेनिफिट तो आपके बच्चे को मिल रहा है ना, हाँ जो जी, लेकिन कि वो मेरी वाइफ के अकाउंट पे, क्योंकि जी, वो ऑलरेडी जो है ना वो खुद स्पाउस वीजे पे है, शी मैं इज नहीं, आई नो नो आई रिकॉर्ड नो, टू मुझे पब्लिक तो, फंड्स। जी मैं उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो बेनिफिट तो बेसिकली आपके बच्चे का को मिल रहा है ना, जो कि ब्रिटिश है। हाँ जी, जो तो ब्रिटिश है, हाँ जी जी, बिल्कुल उसको सिर्फ मिल रही जी, है, दूसरे को तो नहीं मिल रही। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर अब आपने चेंज करा ली है और अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको मालूम नहीं था, लेकिन चूंकि बेनिफिट बच्चे को मिल रहा है जो कि ब्रिटिश है, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये जी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का तो मसला तो नहीं होगा? अगेन, एज लॉन्ग एज आप जो हैं जो मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहे हैं, या आपकी वाइफ मीट कर रही हैं जो कि इनको रिक्वायर्ड है, जो इनकम आपको अपने अपनी वाइफ के सिलसिले में और अपने जो बच्चा है उसके सिलसिले में चाहिए, अगर वो उसकी मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हैं तो फिर मसले वाली बात नहीं है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का भी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम आसिफ है और जी मुझे IELR स्पाउस वीजा के बारे में दो सवाल करने हैं। जी पूछिए। जी, पहला तो ये ना कि ये जो न्यू सर्विस आई है इसके थ्रू अप्लाई करना है, तो हम स्टैंडर्ड सर्विस में जाना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नॉन प्रायोरिटी जो होती है, तो इसके लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ेगा क्या? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये मुझे, मेरी वाइफ एक्चुअली एप्लीकेंट है, तो मेरा भी पासपोर्ट वो लोग रख लेंगे या अपॉइंटमेंट के दौरान स्कैन कर कर रिटर्न कर देंगे? क्योंकि जी मुझे अक्सर बिजनेस ट्रिप्स के लिए जी जी यूके से बाहर जाना होता है, जी तो पासपोर्ट छोड़ नहीं सकता, अगर मैं स्टैंडर्ड सर्विस जी में जा रहा हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस यही, अगर अगर वो लेते हैं पासपोर्ट तो फिर मुझे ना सुपर प्रायोरिटी में जाना पड़ेगा, तो बस देखिए, ये चीज़ के बारे में अब जो पूछना। इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया है ना, तो वो उसमें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते आपसे, जनरली स्पीकिंग। तो अगर आपका आपका पासपोर्ट वो स्कैन मतलब कर देंगे आप, वो ओरिजिनल आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक आप स्टैंडर्ड सर्विस की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट इस तरह मतलब ये नहीं होता कि कोई ख़ास अपॉइंटमेंट देंगे आपको, आपके पास 15 दिन होते हैं जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको वो उन 15-15 डेज़ में जाके डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने होते हैं या दिखाने होते हैं या और अपने वो बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, तो इसलिए आपको अपने पासपोर्ट भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, जी मैं जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बोल रहे हैं? शेखर मल्होत्रा बोलता हूँ। जी मल्होत्रा साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा आपकी आवाज़ आपकी सवाल आवाज़ आपकी आवाज़ शेखर साहब कट के आ रही है ये कि ज़रा, जी बोले। मेरा 5 साल का मल्टीप्लस विजिट वीजा है, जी, और मैं जैसे बच्चों से मिल जाता हूँ 2-3 महीने रह कर जाता हूँ मैं हर साल, जी और अभी जो है मई में वो मेरे को नया रिन्यू कराना है, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो 1-15 दिन का वापिस जाना है, तो जो नया वीजा मैं बनवाऊंगा मई में तो वो ये 2 महीने होंगे या नए से, मतलब जैसे आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं पड़ा। मुझे आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि अगर अभी आप जो दोबारा वापस जाएंगे तो क्या होगा? नया वीजा मेरे को बनवाना है, मई में खत्म हो रहा है वो, जी,
तो ये जो जो साइकिल काउंट होती है वो मई से नए वीजे से चालू हो गई, या ये जो दो महीने रहकर जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये गिनती होंगे ये साल में? नहीं देखें, जब आप नए वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, आपको नया वीजा मिलता है, तो उसमें वो उसमें उस जो है वो उस नए वीज़े के हिसाब से आप चलेंगे, जो उसमें आपको जितना टाइम अलाउड है उस नए वीज़े के टाइम से वो होगा। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा क्लियर नहीं आई, तो मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं पड़ी आपके सवाल की, लेकिन जितना मैं समझूँ उस हिसाब से मैंने जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। एक वक्फे पर हम जाते हैं और वक्फे के बाद मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं ज़ाकिर खान। जो कॉल्स हम पहले ले रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूं और क्या सवाल है आपका? जी मैं मिसेस खान बात कर रही हूं, लंदन से बात कर रही हूं सर। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं स्टूडेंट वीजे पे आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड 2014 में फरवरी, और फिर 2014 में जुलाई में मेरी बेटी पैदा हुई है इधर लंदन में। तो मेरा स्टूडेंट वीजा फिर एक्सपायर हुआ 15 में, तो मैंने दूसरा वीजा डाल दिया था। तो जो मैंने दूसरा वीजा लिया था वो 2018 तक वैलिड था। दूसरा वीजा भी स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन होगी ना? जी भाई, दूसरा जी। वीजा भी मैंने स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन ली जी। वो 2018 तक मेरा वैलिड था, लेकिन 2017 में मैं विड्रॉ हो गई, यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर दिया था क्योंकि कोर्स ACCA का था जी। तो मैंने फिर केस डाल दिया था FLR स्टेटलेस का, उसका जवाब अभी मुझे आया है अभी 2018 एंड में। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और 14 डेज का टाइम दिया, तो मैंने FLR FP डाल दी है क्योंकि बेटी अभी 4.5 साल की है। तो इस सिलसिले में आप मुझे बताएं कि अगर मेरी बेटी 7 इयर्स की हो जाती है तो उस सिलसिले में कोई है चांसेस हमें? देखें बात यह है मिसेस खान कि अभी तो आपकी बेटी 4.5 साल की है, ठीक है जी। अभी तकरीबन 2.5 साल रहते हैं आपने, चलें आपने यहाँ पे रहना है तो आपने एप्लीकेशन कर दी FLR FP की, और अब ऑब्वियसली 2.5 साल बाद क्या सिचुएशन होती है, कानून क्या है क्या नहीं है, उसका कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर 7 साल आपकी बच्ची को यहाँ पे हो जाते हैं, अगर हम आजकल के कानून के हिसाब से देखें तो फिर आपकी एप्लीकेशन मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फिलहाल मैं यही कह सकता हूं क्योंकि मैं रहना चाहती हूं इधर और बेटी मेरी स्कूल भी जाती है, फुल टाइम स्कूलिंग है उसकी। जी बिल्कुल, तो आपने ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाल दी, अब आपको बस यही चाहिए कि आप इसको फिर एप्लीकेशन को परसू करें, और जैसे कि मैंने कहा अगर 7 साल की हो जाती है आपकी बेटी को, अगर हम आजकल के कानून के हिसाब से देखें तो फिर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन उस वक्त क्या कानून होता है उसका कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम सोहा है, मैं आई थी 2010 में दिसंबर में जी, तो तकरीबन मुझको यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। मैं स्टूडेंट आई थी, PSW पे गई, फिर दोबारा से स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, तो उसमें ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा कॉलेज रिवोक हो गया था, लेकिन मुझे कोई लेटर नहीं आया, और फिर मैंने FLR FP डाला, और उसपे उस दौरान फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी, और फिर मैंने जो है वो उसका मतलब फिर कंटिन्यू किया अपना केस, तो अब उसमें रिजेक्शन आ गई थी मेरी। मेरा हस्बैंड मेरा डिपेंडेंट था, तो उसकी फाइल तो मैंने निकलवा दी, लेकिन अब जो है वो उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया है, तो क्या वो मेरी एक्सेप्ट करेंगे? 7 साल मेरे बेटे को यहाँ रहते हुए 8 साल हो चुके हैं, मेरी बेटी एक पैदा हुई थी यहाँ पे, उसको 5 साल। देखिए ऑफ कोर्स आपको राइट ऑफ अपील मिला है, और उसकी एक वजह ये है, मेन वजह ये है कि आपके बच्चे हैं यहाँ पे, और आपके बच्चों को यहाँ पे आप बता रही हैं कि 7-8 साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कोर्ट में जाती हैं तो इस सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगी आपकी सिचुएशन को, और जब बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7-8 साल हो जाएं तो ये ऑब्वियसली इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जो कि आपके फेवर में जा सकता है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो, हेलो सर, मैं जैसी बोल रही हूँ सर। जी जैसी बोलिए, क्या सवाल है आपका?
सर मेरे को पूछना था, मैंने ना इंडेफिनेट के लिए मई में अप्लाई किया था, तो अभी तक उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी तो 9 मंथ होने वाले हैं। जी जी जी। तो बायोमेट्रिक तो मेरी 1 मंथ के अंदर उन्होंने कर ली थी, तो बाद में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बीच में ये था कि मेरे हस्बैंड ना पास्ट हुए हो गए थे, तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया था जी इंडेफिनेट के लिए। पहले मेरे पास लीव टू रिमेन था, तो अभी तक होम ऑफिस वाले ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, मेरा कार्ड नहीं भेजा, मेरा पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं भेजा। जी देखें, अगर आपको अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा, टाइम हो गया है काफ़ी, आजकल वैसे एप्लीकेशन जल्दी डिसाइड हो रही हैं आमतौर पे, और अभी सिस्टम भी उन्होंने कुछ नया किया है, तो शायद ये वजह भी एक हो सकती है कि आपका चूँकि पुराने सिस्टम के हिसाब से देखी जा रही है, तो उस पर उस वजह से बैकलॉग हो होम ऑफिस के पास और डिले हो रहा हो। लेकिन आपको चाहिए कि आप अब होम ऑफिस से कांटेक्ट करें, अगर आपके कोई वकील हैं तो उनके ज़रिए से भी होम ऑफिस को कांटेक्ट करें, अपने लोकल एमपी से भी आप कह सकती हैं, उनके पास भी जा सकती हैं और उनको भी बोल सकती हैं कि होम ऑफिस से कांटेक्ट करें कि आपकी एप्लीकेशन को तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो अगर आप इस तरह करेंगी तो होपफुली जल्दी कोई डिसीजन आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं सर? मेरा नाम जाहिद है सर, आपसे एक मेरा सवाल था। हम लोग यहाँ पे 2008 में आए थे, तो मेरे बच्चे की हाफ लाइफ 28 मार्च 2019 में होगी, तो हम कितने दिन पहले उसका केस डाल सकते हैं सर? आप किसी ने मुझे बताया कि आप 28 दिन पहले डाल सकते हैं? जी 28 दिन जब रह जाएं तो वो जो विंडो होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, और एक चीज और पूछनी थी सर, तो अभी हम लोगों का असाइलम भी रिफ्यूज हो गया है। जी जी। और वो फ्रेश क्लेम जो है वो भी हमारा रिफ्यूज हुआ है, तो हमने रिकंसिडरेशन में डाला हुआ है, तो अगर बच्चे का हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कोई चांस है कि हम उसमें? देखिए ऑब्वियसली जब बच्चे का हो जाता है, जब एक फैमिली मेंबर जो कि बच्चा है जो कि आप पे डिपेंडेंट है, जब उसका हो जाता है तो उससे आप लोगों की एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। नहीं, वो बच्चा बड़ा हो गया है सर, 22 है उसकी एज अभी। अच्छा, अगर बच्चे का हो जाता है तो उससे आपकी एप्लीकेशन जो है उस पर ऑब्वियसली वो ज़रा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है सर, तो ठीक है सर, फिर मैं आपके ऑफिस फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके उस बच्चे को लेके आ जाऊंगा सर मैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है सर, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है मुझे। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर है? आप बोले, मैं कोशिश करता हूँ, आप बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरी ये सवाल है कि जैसे मैंने एक पहले केस डाला हुआ, अभी मेरे बच्चे जो है 7 साल की हो गई है, मैंने उसके बेस पे केस करना है, मैंने डायरी करना है, तो क्या होम ऑफिस मुझे पहले का डिसीजन देगा एप्लीकेशन ए का, जब मैं डायरी करूंगी जो फ्रेश एप्लीकेशन डालूंगी उसका डिसीजन दे? एक सवाल ये है, अभी आपका अभी आपका जो पहले का केस डाला हुआ है उसका फैसला नहीं हुआ ना? अभी तक नहीं हुआ। तो जब आप दूसरा केस डालेंगी तो होम ऑफिस जो है वो इस दूसरे केस को कंसिडर करेगा और इसका फैसला देगा। ठीक है, ओके ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैं सोचती हूँ कि जो मैं अप्लाई खुद कर लूँ, क्योंकि सॉलिसिटर बहुत फीस मांग रहे हैं ना, 2500 से कम कोई नहीं मांग रहा, तो अगर मुझे खुद अप्लाई करना है मुझे कौन सा क्लिक करना है, एज ए चाइल्ड और एज ए पेरेंट और प्राइवेट लाइफ? आप बच्चे की बेसिस पे अप्लाई करेंगी तो आप जो है अगर आपके आप तो प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे आप अप्लाई करेंगी कि आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं, उस बेसिस पे आप अप्लाई करेंगी। ठीक है, मुझे क्लिक प्राइवेट लाइफ पे करना है, ना तो एज ए पेरेंट और ना तो एज ए चाइल्ड। आप उसको आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए ये जरा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बेहतर ये होता है कि आप अगर वकील के थ्रू जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो आपका जो उस पर मुख्तलिफ सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए अगर 7 साल हो गए हैं तो आप एज अ पेरेंट भी उसकी वो कर सकते हैं, तो और प्राइवेट लाइफ भी आपकी है। मैं वैसे आपको मशवरा ये दूंगा कि ख़ुद से बेहतर है कि आप किसी वकील के थ्रू अप्लाई करें ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम शहजाद मलिक है। जी शहजाद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल यह है कि मैंने ILR बेस्ड ऑन 10 ईयर्स अप्लाई किया था, मेरा एडमिन रिफ्यूज हुआ था, उसमें जो है ना टाइम कंप्लीट नहीं होता था, तकरीबन 2 महीने रहते थे 10 साल में जी, तो उसमें ये है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बेस्ड ऑन 3C,
और जो मेरे सिस्टर हैं उन्होंने मुझे कहा था कि आपके विद इन 14 डेज डाल दें तो आपका जो है वो 39E के मुताबिक डिसरिकार्ड हो जाएगा. तो अब मेरी अपील आई है तो इसके चांसेस क्या हैं विन होने के? आपने दो महीने पहले डाला था ना? जी 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 जी. तो दो महीने पहले डाला था और आपको अपील उन्होंने इन कंट्री राइट ऑफ अपील दे दिया था, ठीक है? जी जी. अच्छा, तो अगर आपने आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिल गया तो आपने वो 10 साल तो लीगल गुजार लिए ना आप? जी 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 जी, वो गुजार लिए. तो अब आपका आपका सवाल क्या है कि उसको कंसिडर किया जाएगा कि नहीं? जी जी, ये जज के सामने अब जी जज के सामने जाएगा. जी बिल्कुल, जज के सामने जाएगा और जज को जज मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपील पे जा रहे हैं आपको 10 ईयर्स यहाँ पे लीगली हो गए हैं तो कोर्ट जो है इसको जज जो है उसकी डिस्क्रेशन है लेकिन आमतौर पर इस चीज़ को कंसिडर करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा. शहजाद साहब बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी उमर सईद खान साहब बात कर रहा हूँ, न्यूकासल से. जी उमर सईद खान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली हमारा सवाल ये था कि 2019 में जून में हमारा रेफ्यूजी स्टेटस ख़त्म हो जाएगा. ओके, मेरी फैमिली का. जी जी. तो हमें हम तीन सवाल हैं. अब मुझे कब अप्लाई करना होगा, प्लस हम चारों की कोई होम ऑफिस फीस होगी, और जब ये हम अप्लाई करेंगे तो इसके कितने दिनों बाद हमें इंडेफिनेट कार्ड बन के हमारे? देखें जहाँ तक आपका पहले जी जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, जब आप 28 दिन रह जाएं वीज़ा ख़त्म होने में जो आपका स्टेटस है, तो उस 28 दिन जब रह जाएं उस विंडो में आप अप्लाई कर सकते हैं. आपके जो है वो होम ऑफ आपको क्योंकि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है तो आपकी होम ऑफिस फ़ीस उसकी नहीं होती. और जहाँ तक टाइम की बात आपने की है कि कितना टाइम लगेगा कि आपका कार्ड आएगा, वो कहना ज़रा मुश्किल है. आम तौर पे 3 से 6 महीने लग जाया करते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो हेलो हेलो. जी जी, यस यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने ये कुछ दिन पहले अपनी मदर के लिए पाकिस्तान से अप्लाई किया था फॉर विजिट वीजा. जी जी. बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, तो आए और मुझे और बेबी को देखने के लिए, मिलने के लिए. जी जी. एक बेटी भी है मेरी, तो हमने उनके अप्लाई किया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ आप जाएंगे और वापस नहीं आएंगे. हालांकि हमने लिखा था कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए उन्होंने आना है. जी. और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो आपके मेरी मदर के जो बैंक स्टेटमेंट है और मनी है वो सब कुछ आप निकलवा नहीं सकते, हालांकि वो उनके नाम है और हमने प्रॉपर स्टेटमेंट बना के दी थी. जी, जी, तो जी. उन्होंने रिफ्यूज किया और हमें रिव्यू और अपील का राइट भी नहीं दिया. जी. देखें बात ये, देखें बात ये है कि विजिट वीजा पे अपील का राइट नहीं होता, ठीक है? जब कोई विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखते हैं कि जो भी विजिट जो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा है उनके अपने मुल्क में कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं. खाली बैंक अकाउंट में अगर उनका नाम है और उसमें पैसे हैं तो ये इनफ नहीं है. मुझे नहीं पता कि आपकी मदर की क्या सिचुएशन है, आपके फ़ादर की क्या सिचुएशन है, आपके फ़ादर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपकी मदर किसके साथ रह रही हैं, बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बिज़नेस है, जॉब है, क्योंकि क्या कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो कंसिडर करते हैं कि जी किस के अगर ये जाएंगी यहाँ पे, इनके फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड हैं, उनका बिज़नेस है, उनकी जॉब है, प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे हैं इनके, तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि वो जाके वापस ना आए. खाली ये जो आपने बैंक अकाउंट का कहा, इस ये मामले का हल नहीं होता. अब अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है और आपको अपील का राइट नहीं आपके पास है, तो इसका एक तरीका तो ये है, बेहतर है किसी वकील के पास जाके और इसको कंसिडर करें कि क्या क्या इसमें शॉर्ट कमिंग्स थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे और क्या नहीं लगाए थे. बेहतर तरीका इसमें ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं लगाई गई, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, उन्होंने खुद से अप्लाई कर दिया, उनको नहीं पता होता, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह नहीं लगाए हुए तो दोबारा एप्लीकेशन की जाए. और अगर सारा कुछ दिया हुआ है और उसके बावजूद वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किया है और आप समझते हैं कि जी गलत रिफ्यूज़ किया है और आप वकील के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कि जी हाँ जी गलत रिफ्यूज़ किया है, तो फिर उसका एक ही तरीका होता है कि फिर आप इस वीज़े के इस रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ जुडिशल रिव्यू के लिए जा सकते हैं.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں اور ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں. بہت شکریہ. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کا دوبارہ ٹائم ہو گیا ہے. اگر آپ میرا ای میل ایڈریس نوٹ کرنا چاہیں ناظرین, تو اس وقت اسکرین پہ میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے. اس ای میل ایڈریس پہ آپ مجھ سے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو ایک بریک پہ جاتے ہیں, آپ کے ادھر جائیے گا نہیں, میں تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں دا لا شو, میں ہوں ذاکر خان. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں ارم بات کر رہی ہوں بلیک برن سے. جی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کوئسچن ایف ایل آر سے ریلیٹڈ ہے. جی. جو کہ میری بیٹی ہے, یہاں پہ 8 سال کی ہے, یہاں پہ پیدا ہوئی, اس کے بیس پہ ہم نے کیا تھا, الحمد للہ ہمیں مل گیا ہے. لیکن جی. میرے اس کے علاوہ بھی 2 بچے ہیں, 6 سال کا ہے اور ایک سال کا ہے. ان کا ہم نے ساتھ اپلائی نہیں کیا تھا. اب میں ان کا کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے بھی سیم پروسیس, وہی سارے ڈاکومنٹس پھر سے بھیجنے پڑیں گے, سارا وہی کچھ ہے, یا کوئی یا خود کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے اپنے سولیسٹر سے کروایا. دیکھیں اتنا ایزی ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں. اور دوسرا کوشچن یہ کہ کتنا ٹائم لگے گا اس میں, اتنا ہی, کیونکہ یہ ہمیں 7 مہینے کے بعد ملا ہے. جی دیکھیں بات یہ, جی دیکھیں مسرم, بات یہ ہے خود کرنے کی, جہاں تک بات ہے تو کرنے کو تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. میں میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ آپ خود کریں یا نہ کریں, یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پروسیجر وہی ہے, وہی اپلیکیشن ہوگی, ایف ایل آر ایف پی کی اپلیکیشن ہوگی آپ کے باقی 2 بچوں کے لیے بھی, اور ان کی بھی اسی بیسس پہ ہوگی کہ باقیوں کو چونکہ مل گیا ہے تو آپ کو آبویسلی ان کا ملنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ آپ ساروں کو مل گیا ہے تو ان بچوں کو جو ہے ملنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. ڈاکومنٹس وغیرہ سارے لگیں گے, آپ لوگوں کے بھی ڈاکومنٹس لگیں گے, تو اس لیے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہے کہنا کہ آپ, کیونکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ خود کریں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتی, لیکن بہرحال بعض لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. جو ٹائم کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ٹائم جو ہے, اگین ہوم آفس میں جب آپ کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو پھر کہنا مشکل ہوتا ہے کتنا ٹائم لگے گا. جو ایک گائیڈنس کے لیے ہم ٹائم کہتے ہیں اور ہوم آفس بھی کہتا ہے, وہ تقریباً 3 سے 6 مہینے کا ٹائم فریم ہوتا ہے اس کے لگ بھگ. تو لیکن میرا خیال میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے, اس لیے آپ کے باقی جو 2 بچے ہیں ان کو ملنا جو ہے وہ اب زیادہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ, ان کے لیے اتنا مشکل وہ اسٹرنجنٹ کرائٹیریا نہیں ہے. تو میرا خیال میں جلد ہی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جائے گی, ہوپ فلی ود ان 3 منتھس. میں امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ناظم بات کر رہا ہوں لیڈ سے. میرا دوست ہے, وہ نا پچھلے سال آیا تھا دسمبر میں میری یوکے شادی کر کے. جی جی. اور جو اس کی وائف ہے, اس کے جو ہے نا ان کی پہلے ڈیوورس تھی اور ان کے 3 بیٹے تھے, ایک بیٹا ابھی 19 ایئر کا اور ایک جو ہے وہ 16 کا ہے, ایک چھوٹا 9 ایئر کا. جو 16 ایئر والا ہے اس کے نا وہ ڈسیبل ہے, اس کو ڈسبلٹی لونس ملتا ہے اور کیریج لونس اور انکم سپورٹ یہ سارے ملا کے, تو وہ پھر وہ جو 18,000 والی تھی نا وہ پوری ہو گئی تھی, وہ آ گیا. ابھی جو میرا دوست آیا اس نے آ کے انکم سپورٹ بند کروا دی ہے, اور ابھی جو ہے نا وہ جاب کر رہے, لیکن اس کو 0 آور کنٹیکٹ ہے اور اس کو جو ہے نا ابھی فل جاب نہیں کوئی مل رہی. تو ابھی کیا جب دوبارہ اس کا ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہوگا تو کیا دوبارہ وہی اس کے جو 18,000 والی شرط وہ پوری کرنی ہوگی, یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی دیکھیں, جب دوبارہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا جب ایکسٹینشن کے لیے, تو کرائیٹیریا وہی ہے, وہ دوبارہ ان کو اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہوگا 18,600 pounds کی. لیکن وہ جو بچہ ابھی 16 کا ہو رہا ہے, تو اگر اس کے وہ جو ڈسبلٹی وہ بند کر کے پیپ پہ آ جاتا ہے, جی جی, ان کو کوئی لیٹر آیا ہے, تو اگر وہ نہیں دیتے اس کو یہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا, کون کون سے جو ہے نا؟ دیکھیں ابھی تو دسمبر میں وہ آیا ہے, پچھلے مہینے کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ان کے پاس تقریباً 2.5 سال کا ویزا ہے, 2.5 سال بعد وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے. اب اس وقت کیا اس بچے کو مل رہا ہے نہیں مل رہا, اس وقت کیا سچویشن ہے, وہ بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال آپ کے دوست کو وہ انکم کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑے گی, 18,600 pounds اگر پپ جو ہے وہ مل رہا ہے تو اس پہ بھی وہ بھی اس بیسس پہ بھی جا سکتے ہیں. اس وقت اگر کام کر رہے ہیں, بے شک 0 آورس کانٹریکٹ ہے, لیکن اگر سال کا وہ شو کر سکتے ہیں کہ 18,600 انہوں نے کمایا ہے,
لاسٹ ون ایئر میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سرکمسٹانسز کیا ہیں اس وقت اور سچویشن کیا ہے. ابھی ڈھائی سال کا عرصہ پڑا ہے, لیکن بہرحال ان کو 18,600 پاؤنڈس کی جو انکم کی ریکوائرمنٹ ہے, وہی ریکوائرمنٹ جو انہوں نے آتے وقت پوری کی ہے وہ اس وقت بھی پوری کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میرا نام سلمان بٹ ہے, میں لیورپول سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے سلمان بٹ صاحب. سر میرا کوشچن یہ کہ میں نے شادی کی تھی 2013 میں یورپین لڑکی کے ساتھ. جی جی. تو جو وائف میری تھی اس نے بھی ادھر کا کارڈ اپلائی کیا تھا, اس کو ملا 2015 میں. اور میرا ای ای کا کارڈ جو تھا مجھے 2017 کے مڈ میں ملا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیوی میں کب اپلائی کر سکتے ہیں انڈیفینیٹ کے لیے؟ دیکھیں آپ تب سے اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کی وائف تو تب اپلائی کر سکتی ہیں جب سے وہ یہاں پہ آئی ہیں, اور 5 سال سے اگر وہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ بھی تب اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ کی شادی ہوئی ہے اور اس وقت سے اگر آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں آپ پروف کر سکتے ہیں. تو اگر 2013 میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور 2013 سے آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں, 2013 سے آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں تھرو آؤٹ لاسٹ 5 ایئرس, تو 2018 میں آپ اپلائی کر سکتے تھے یا ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے 5 سال کب پورے ہوتے ہیں, جن 5 سالوں میں آپ لوگ اکٹھے رہے ہیں آپ کی وائف تھرو آؤٹ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتی رہی ہیں. سلمان صاحب امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہیرا ہے, میں نے آپ سے کوسچن پوچھنا تھا اپنے کزن کے متعلق. ان کی شادی ہوئی ہے یہاں کی لڑکی سے اور 1 سال کا پیریڈ ہوا کہ ادھر آئے ہیں, لیکن ان کی اتنی اچھی بن نہیں رہی اپنی وائف سے. تو ایسا ہے کہ وہ پاکستان جانا چاہ رہے ہیں, ان کی والدہ بیمار ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان جائیں اور پیچھے سے جو ان کی وائف ہے وہ ان کا ویزا کینسل کرا دیں اور وہ واپس نہ آ سکیں, ادھر ٹریول نہ کر سکیں؟ اور دوسری بات ان کی, جی سوری, ایک اور بات آپ سے پوچھ لوں کہ ان میاں بیوی کے, یعنی کہ میں ان کی لڑائی بھی ہوئی اور وہ ان کے اوپر کیس بھی بن گیا ڈومیسٹک وائلنس کا, اور ان کی ہیئرنگ بی ایم آئی میں. جی. تو کیا اگر وہ جاتے ہیں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے 2.5 سال بعد اپنا ویزا, تو اس کے اوپر افیکٹ پڑے گا ان کے ویزے کے اوپر؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک, یعنی کہ ان کا ایک شاید کہ ریکارڈ خراب ہو گیا ہے یا کچھ. جی بالکل. دیکھیں اگر ڈومیسٹک وائلنس پروف ہو جاتا تو پھر بالکل کیس پہ فرق پڑے گا, پہلی چیز. دوسری, جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ آبویسلی اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کی وائف جو ہیں وہ انفارم کر سکتی ہیں, ہوم آفس کو انفارم کر سکتی ہیں کہ وہ مزید ان کے ساتھ نہیں رہ رہی اور ان کو نہیں اسپانسر کر رہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی کہ میں ایک دو ہفتے کے اندر ویزا کینسل ہو جائے گا, یعنی کہ میں اگر وہ ایک ہفتے میں ہی واپس آ جائیں اپنے مدر؟ دیکھیں بات یہ ہے, کینسل کا تو میں نہیں کہہ رہا, کینسل اس طرح نہیں ہوتا. وہ انفارم کر سکتی ہیں ہوم آفس کو, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کو وہاں پہ جو ایئرپورٹ پہ ان سے کوشچننگ ہو سکتی ہے کہ اس طرح آپ کے وائف نے ہوم آفس کو یہ انفارم کیا ہے. عام طور پہ کینسل اس طرح نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ ویزا کینسل کریں آپ کے ہسبینڈ کو رائٹ آف اپیل ملتا ہے اس ہوم آفس جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے خلاف. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر حامد بات کر رہا ہوں ریڈ فورٹ سے. جی حامد صاحب بولیے. کیا سوال ہے آپ سے؟ سوال میرا یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, میں پھر فون بند کر دوں گا, مجھے آرام سے سوال سکتے. جی جی بولیے. میں 2014 میں میری مسز آئی تھی پاکستان سے ایز اے ٹیئر ون انٹرپرینیور ڈیپینڈنٹ, میرے پاس ٹیئر ون انٹرپرینیور تھا. ٹھیک ہے. سوری دوبارہ آپ دوبارہ بولیں. 2014 میں ایز اے ٹیئر ون ڈیپینڈنٹ کے طور پہ. جی ٹیئر ون ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے جی. جی 2016 میں 10 ایئر کی بیس سے میں نے انڈیفینٹ لے لیا. اور میں نے پھر کیا کیا کہ اپنی وائف کا ایف ایل آر ایم 18,600 انکم والا سوئچ کرا لیا, جو ٹیئر ون ڈیپینڈنٹ وہ میں نے سوئچ کرا کے ایف ایل آر ایم کروا لیا, کیونکہ میں ٹیئر ون انٹرپرینیور پہ دیکھ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اب اس کی ایکسٹینشن ہے وائف کی آفٹر 2 منتھس ایف ایل آر ایم کی, ڈیو 2.5 سال بعد ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نومبر 14 یہ تو مجھے ایکسٹینشن کروانی پڑے گی, یہ میں کروا لوں گا. نومبر 2014 میں اس کو 5 سال پورے ہو جائیں گے
کیونکہ نومبر 14 میں وہ آئے تھے اور نومبر 19 میں اس کو 5 سال ایز مائی ڈیپینڈنٹ پورے ہو جائیں گے. جی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نومبر کے بعد اس کا انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے ایف ایل آر ایم پہ 5 سال پورے کر کے پھر جی ان کو آپ ان کے آپ کی وائف کو ایف ایل آر ایم پہ 5 سال پورے کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ نے جو ٹیئر ون جو ڈیپینڈنٹ کے طور پہ آپ کی وائف آئی تھی لیکن آپ نے انڈیفینٹ پھر 10 ایئرس کی بیسس پہ لیا تھا, آپ نے پھر ایف ایل آر ایم پہ اپنی وائف کو کنورٹ کیا, ان کو 5 سال پورے کرنے پڑیں گے اسپاؤس ویزا پہ ایف ایل آر ایم پہ, پھر اس کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کریں گی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں مشتاق بات کر رہا ہوں. سر میں نے یہ چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں میرے. جی بولیے. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ انڈیفینٹ ہونے کے بعد کتنے عرصے کے بعد آدمی کو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے میرا سر یہ, ایک میرا دوست ہے وہ ڈپریشن بیمار ہے, وہ ڈسیبل بھی ہے, تو وہ لائف یو کے نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے سر کیا دیکھیں؟ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, انڈیفینٹ جو ہے اگر عام طور پہ انڈیفینٹ کے سال بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسے کیسز میں جب آپ کو انڈیفینٹ اسپاؤز ویزے کی بیسس پہ ملا ہو تو پھر آپ کو سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہی آپ کو انڈیفینٹ ملتا ہے آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے لائف ان دی یو کے کی بات کی, تو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے دوست اگر ڈسیبل ہیں اور اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, ان سے لیٹر لینا پڑے گا ڈیٹیل جو ان کی میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے لائف ان دی یو کے. اگر ان کو یہ ایسا لیٹر ملتا ہے جو کہ ہوم آفس کی ریکوائرڈ اس پہ ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتا ہے تو پھر ہوم آفس ان کو لائف ان دی یو کے سے کرنے سے ایگزیمپٹ کر سکتا ہے آن دا بیسس آف میڈیکل گراؤنڈس کہ وہ اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے لائف ان دی یو کے اور انگلش کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر سکتے. میں امید کرتا ہوں مشتاق صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں سلمان بول رہا ہوں یہ ولور ہیمپٹن سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے ایک سال پہلے اسائلم یہ کرا تھا یہاں پہ, تو ان لوگوں نے مجھے اسائلم کا ایک کارڈ دے دیا تھا, اپلیکیشن کارڈ. جی, پھر اس کے بعد 4-5 مہینے تک وہ کیس یہ چلا, بعد میں ان لوگوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تھا. تو پھر بعد میں مجھے یہاں پہ لڑکی مل گئی تھی یہاں کی برٹش, تو میں نے ان سے شادی کر لی. تو ابھی میں یہ میرا ماشاء اللہ ایک بیبی بھی ہے گا 1 مہینے کا. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں جب ہم لوگ یہ میری وائف رجسٹرار آفس میں گئی تھی برتھ سرٹیفکیٹ پہ نام لکھوانے بیبی کا, تو ان لوگوں نے میں باہر بیٹھا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, میں اندر نہیں گیا, تو ان لوگوں نے فادرز نیم پہ یہ میرا نام نہیں لکھا. اور سر یہ پوچھنا تھا, اور میں یہ میرا دوسرا سوال ہے کہ ابھی میں اپنا کس بیس پہ دیکھیں, آپ نے پہلے تو چاہیے آپ کو کہ آپ جو بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ فادر نیم پہ آپ کا نام آئے, اور اس کے لیے آپ رجسٹریشن آفس جائیں, آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی ساتھ جائیں اور ان کو بولیں جو بھی, اور ایز سون ایز پاسبل یہ کریں, کیونکہ اگر ڈیلے کریں گے تو اس میں پھر بات کو مسائل ہو سکتے ہیں. اور آبویسلی جب آپ کا یہ ایشو حل ہو جاتا ہے, چونکہ اب آپ کا بچہ ہے یہاں پہ اور آپ کی جو وائف ہیں وہ برٹش ہیں, بچہ بھی برٹش ہے, تو بچے کی بیسس پہ پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے. آپ کو چاہیے کسی وکیل کے پاس جا کے اپنے کیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو اچھا, مجھے ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت آج کا ختم ہو چکا ہے, اس لیے مزید کالز اب نہیں لے سکتے. جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی, اگر آپ چاہیں تو میرا ای میل ایڈریس پہ آپ مجھ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت میرا ای میل ایڈریس سکرین پہ آ رہا ہے, اس ای میل ایڈریس پہ آپ مجھ سے پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو مجھ سے اگین اس ای میل ایڈریس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے ہفتے نیکسٹ ٹیوزڈے کو شام 6 بجے دوبارہ آپ سے وینس ٹی وی پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.